देवों के तुम देव हो, शिव शंकर भगवान। देवों के तुम देव हो, शिव शंकर भगवान। तीन लोक में आप सा देव न कोई महान है भोले, देव न कोई महान। मानव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष करें तेरा ध्यान। मानव दानव गंधर्व किन्नर यक्ष करें तेरा ध्यान। पूजनीय इस सृष्टि में कौन है आप समान है भोले, कौन है आप समान। अजर अमर अविनाशी है आप तो भोलेनाथ। अजर अमर अविनाशी है आप तो भोलेनाथ। भूत भविष्य वर्तमान सब आपके ही है हाथ है भोले, आपके ही है हाथ। नर नारायण आपके नाम का करते जाप। नर नारायण आपके नाम का करते जाप। आप स्वयं भू हो भोले, महाकाल भी आप है भोले, महाकाल भी आप। देवों को अमृत देकर आप किए विष पान। देवों को अमृत देकर आप किए विष पान। नीलकंठ महादेव तुम जाने सकल जहान है भोले, जाने सकल जहान। मंत्र सरल बड़ा आपका है, ओम नमः शिवाय। मंत्र सरल बड़ा आपका है, ओम नमः शिवाय। जपने मात्र से ही जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाए है भोले, मोक्ष प्राप्त हो जाए। महामृत्युंजय मंत्र से टल जाए मृत्यु अकाल। महामृत्युंजय मंत्र से टल जाए मृत्यु अकाल। प्रसन्न आप जिन भक्तों पर होते हैं, महाकाल है भोले, होते हैं महाकाल।
हृदय में जिसने बसा लिया बोले आपका नाम। हृदय में जिसने बसा लिया बोले आपका नाम। उनके जीवन से फिर तो संकट कटे तमाम है बोले, संकट कटे तमाम। अमृत की बरसात हो बोले जब मुस्काए, अमृत की बरसात हो बोले जब मुस्काए। नेत्र तीसरा जो खोल दे महाप्रलय आ जाए है बोले, महाप्रलय जाए। अनादि देव भी आप हैं विश्वनाथ भी आप, अनादि देव भी आप हैं विश्वनाथ भी आप। हे देवों के देव हैं सब कुछ आपके हाथ है बोले, सब कुछ आपके हाथ। उमापति तेरी माया का ना आदि ना अंत, उमापति तेरी माया का ना आदि ना अंत। जानेगा कोई कैसे बोले नाथ अनंत है बोले, बोले नाथ अनंत। तुम अभयंकर अविनाशी तुम त्रिलोकी नाथ, तुम अभयंकर अविनाशी तुम त्रिलोकी नाथ। भक्तों के तारणहारे बोले दीनानाथ है बोले, बोले दीनानाथ। सिमरन आपके नाम का करता है उद्धार, सिमरन आपके नाम का करता है उद्धार। बस एक शिव का नाम ही करे जीवन साकार है बोले, करे जीवन साकार। चिंतन शिव के नाम का चिंता सकल मिटाए, चिंतन शिव के नाम का चिंता सकल मिटाए। जैसे अग्नि में कोई कीट भस्म हो जाए है बोले, कीट भस्म हो जाए। द
दयानिधि है भूतेश्वर, अमर गुणों की खान। दयानिधि है भूतेश्वर, अमर गुणों की खान। आपकी कृपा से होती है हर मुश्किल आसान है, बोले हर मुश्किल आसान। तन पर भस्म रमाए हो जटा गंग की धार, तन पर भस्म रमाए हो जटा गंग की धार। चंद्रमा साजे मस्तक पे नाग गले का हार है, बोले नाग गले का हार। डमरू और त्रिशूल लिए तन पर है मृग छाल, डमरू और त्रिशूल लिए तन पर है मृग छाल। नंदी वाहन आपका लगता बड़ा कमाल है, बोले लगता बड़ा कमाल। आदि भवानी आपके रहती बाएं अंग, आदि भवानी आपके रहती बाएं अंग। तुम कैलाश निवासी हो भूत प्रेत हैं संग आपके, भूत प्रेत हैं संग। आपके नाम का जाप है अमृत पान समान, आपके नाम का जाप है अमृत पान समान। तुमसे बढ़कर कोई नहीं, बोले चतुर सुजान है, बोले ना कोई चतुर सुजान। शरणागत की आप तो रखते हैं सदा लाज, शरणागत की आप तो रखते हैं सदा लाज। दयानिधि भूतेश्वर है भयभंजन नटराज है, बोले भयभंजन नटराज। कण कण में तुम व्याप्त हो हे शंकर भगवान, कण कण में तुम व्याप्त हो हे शंकर भगवान। तेरी साधना से होता अंतर मन में ज्ञान है, बोले अंतर मन में ज्ञान।
आपके चरणों की धूली चंदन तिलक समान, आपके चरणों की धूली चंदन तिलक समान। दर्शन मात्र से ही होता भक्तों का कल्याण है भोले, भक्तों का कल्याण। सृष्टि रूपी इस वृक्ष की आप हो भोले मूल, सृष्टि रूपी इस वृक्ष की आप हो भोले मूल। प्राणी मात्र का ये जीवन तेरे चरणों की धूल है भोले, तेरे चरणों की धूल। आपके चरणों से भोले जो लेना ता जोड़, आपके चरणों से भोले जो लेना ता जोड़। जन्म मरण आवागमन की मिट जाए दौड़ है भोले, कि मिट जाए दौड़। एक लोटा भर जल ही आप प्रसन्न हो जाए, एक लोटा भर जल ही आप प्रसन्न हो जाए। बेल पत्र भी आपको कितने ही भक्त चढ़ाए हैं भोले, सारे भक्त चढ़ाए। सब चिंताएं आप ही भक्तों की हरते, सब चिंताएं आप ही भक्तों की हरते। चिंतन आपके नाम का जो मन से करते हे भोले, जो चिंतन करते। जितने आपके धाम हैं सभी बड़े रमणीक, जितने आपके धाम हैं सभी बड़े रमणीक। भक्त आपके रहते हैं होकर के निर्भीक है भोले, सदा रहे निर्भीक। भोलेनाथ सदा भक्तों के आप सहाई हैं, भोलेनाथ सदा भक्तों के आप सहाई हैं। और आपका सिमरन भी शुभ फलदाई है हे भोले, शुभ फलदाई है।
जो भी भक्त तेरे चरणों के बन जाते हैं दास, जो भी भक्त तेरे चरणों के बन जाते हैं दास, शक्ति सहित उनके घर में आपका रहता निवास है, बोले आपका रहता निवास। गंगा जल से आपका जो करते अभिषेक, गंगा जल से आपका जो करते अभिषेक, पल में पूरी कर देते मनोकामना नेक है, बोले मनोकामना नेक। ब्रह्मा विष्णु भी करते आपका ही गुणगान, ब्रह्मा विष्णु भी करते आपका ही गुणगान, ऋषि मुनियों ने आपकी महिमा करी बखान है, बोले महिमा करी बखान। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भोले आप समाए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भोले आप समाए, दर्शन करने मात्र से बिगड़ी काम बन जाए हैं, बोले बिगड़ी काम बन जाए। वो नर बड़ भागी होते आप हैं जिनके साथ, वो नर बड़ भागी होते आप हैं जिनके साथ, सदा हितकारी भक्तों के आप हो भोलेनाथ है, बोले हितकारी हैं आप। सद्बुद्धि देना भोले कहीं भटक ना जाए, सद्बुद्धि देना भोले कहीं भटक ना जाए, इतनी कृपा आपकी भोले नाथ हम चाहें, बोले आपकी कृपा चाहे। हंसराज रेलहन भी तेरे चरणों का है दास, हंसराज रेलहन भी तेरे चरणों का है दास, फौजी सुरेश को भी भोले है दर्शन की आस है, भोले दर्शन की है आस।
झुकाए। कैलाश निवास
शीश झुकाया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। पुराणों में इनके चमत्कार की अनेकों ही कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे। आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है। इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं, तो चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये चमत्कारी कथा। ऋषि मृकंडू हुए हैं भक्तों शिव के भक्त महान, और उनकी पत्नी थी जिनका मरुधति था नाम। किंतु अनेकों वर्षों तक उन्हें ना संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति का उपाय खोज रहे थे कोई। करने लगे हैं भोलेनाथ की दोनों ही कठिन तपस्या, एक ही पुत्र चाहे हो जाए, मन में यही थी इच्छा। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न है बड़े हुए, साक्षात दर्शन आकर के पति पत्नी को दिए। पति पत्नी भोले के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार, ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ ने जब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी को दर्शन दिए तो दोनों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि श्री मृकंडू और उनकी पत्नी ने भगवान भोलेनाथ से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु बुद्धिमान पुत्र की और दूसरा दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र की। ऋषि मृकंडू ने भोलेनाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको पति पत्नी ने मार्कंडेय नाम दिया। किंतु भगवान भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उनकी आयु सिर्फ 16 वर्षों की थी। भोलेनाथ ने दिया वरदान तो असर दिखाया है, पर अल्पायु पुत्र ऋषि मृकंडू ने पाया है। पति पत्नी ने मार्कंडेय जिसे नाम दे दिया है, किंतु बुद्धिमान बड़ा ही उनका पुत्र हुआ है। जान गए अल्पायु मेरी 16 वर्षों की है, जब तक सांस चलेगी शिव की करनी भक्ति है। बुद्धिमान था मृत्यु के भय से ना घबराया है, भोलेनाथ की भक्ति में बस ध्यान लगाया है। 16 वर्ष फिर धीरे धीरे बीत ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब ऋषि मार्कंडेय ने जाना कि वो अल्पायु हैं, तो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताने का निश्चय किया और 16 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऋषि मार्कंडेय भागकर काशी पहुंच गए, किंतु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हो गए और ऋषि मार्कंडेय को अमृत का वरदान दे दिया। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जो अल्पायु थे उनको भी अमर कर दिया है, भोलेनाथ की उन पर भक्तों ऐसी हुई दया है। ऋषि मार्कंडे को यम भी ले जा नहीं सकते हैं, क्षमा याचना यम भी भोलेनाथ से करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की भक्तों ऐसी शक्ति है, जाप करे तो आए काल को टाल वो सकती है। प्रकट स्वयं ही भोलेनाथ ने मंत्र ये कर दिया है, जो करते हैं जाप मंत्र का होती उन पे दया है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा ऐसी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ ऐसे वरदानी हैं कि थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन से की गई क्षण भर की भक्ति से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा का अब हम वर्णन करेंगे। किसी समय में एक साहूकार है, शिव का भक्त हुआ, पर संतान की प्राप्ति का नहीं सुख उसे प्राप्त हुआ। सच्चे मन से करता था वो शिव की ही आराधना, साहूकार की पूर्ण हुई ना किंतु मनोकामना। माता पार्वती ने एक दिन फिर ये शिव से कहा है, क्यों ना अब तक इसे पुत्र का आपने वर दिया है। आप सदा ही स्वामी भक्तों की विनती सुनते हैं, सच्चे मन से आपकी साधना जो भी करते हैं। क्यों नहीं पुत्र का वर इनको फिर देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। भक्त जनों, माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में जो होता है वही उसे प्राप्त होता है। किंतु माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपको इसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती की विनती पर भगवान भोलेनाथ
उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वार्तालाप को सुन रहा था, अतः वो ना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी, पहले की भांति शांत चित होकर भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहा। फिर साहूकार के घर में तो एक पुत्र का जन्म हुआ है, अल्पायु है किंतु पुत्र साहूकार जानता है। धीरे धीरे 11 वर्ष का जब है पुत्र हुआ, विद्या प्राप्त करने को उसे काशी में भेज दिया। अपनी पत्नी के भाई को साहूकार बुलाया, ले जाओ इसको काशी में, उसको इतना बताया। रास्ते में मिले जितने ब्राह्मण दान दक्षिणा देना, और पुत्र की दीर्घायु का वर भी मांग लेना। सिद्ध पुरुषों के वचन कभी कभी सत्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, साहूकार ने अपने साले को बहुत सा धन देकर विदा किया और कहने लगे, मेरे पुत्र को काशी में ले जाकर शास्त्रों की विद्या का ज्ञान दिलवाएं। रास्ते में आपको जितने भी ब्राह्मण मिले उन सबको उचित दान दक्षिणा देना और उनके चरणों में वंदन करना। किसी ब्राह्मण के मुख से यदि पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिल जाए तो हमारी साधना पूरी हो जाएगी। साहूकार के कहने पर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल दिया। चलते चलते दोनों एक नगर की सीमा में आकर रुक जाते हैं। दोनों जिस नगरी में रुके थे उस दिन उसी नगर के राजकुमार का विवाह था, किंतु राजकुमार एक आंख से काना था। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को अपने पुत्र की जगह ले जाकर राजकुमारी से ब्याह करा दूं और बाद में इनको बहुत सा धन देकर विदा कर दूं। साहूकार के पुत्र को राजा ने बुलवाया है और दूल्हे का वेश पुत्र की जगह बनाया है। राजा ने तो उनको सारी बातें बताई हैं, राजकुमारी की शादी धोखे से रचाई है। साहूकार के पुत्र में लेकिन ईमानदारी है, दुल्हन की चुनरी पर बातें लिख दी सारी है, और दुल्हन ने लिखा हुआ संदेश पढ़ लिया है। राजकुमार के संग जाने से उसने मना किया है, खाली हाथ ही सब बाराती लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब राजकुमार की जगह साहूकार के पुत्र को राजकुमारी से शादी के लिए फेरों पर बैठाया तो साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा पति तो एक आंख से काना है और मुझे बलपूर्वक राजा ने अपने पुत्र की जगह बैठा दिया। जब दुल्हन ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो वो सब कुछ जान गई। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। जब बात सामने आ गया तो बारात को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र की ईमानदारी की
खूब प्रशंसा की और उसे बहुत सा धन देकर काशी की ओर विदा कर दिया। मामा भांजा दोनों काशी नगरी में आए हैं और यज्ञ के लिए अनेकों पंडित बुलवाए हैं। जानते थे कि एक वर्ष का समय है उनके पास, दीर्घायु के लिए यज्ञ वो करवाने लग खास। यज्ञ हुआ संपूर्ण तो फिर पूर्ण आहुति दी, एक वर्ष की जो सीमा थी वो भी बीत गई। साहूकार का पुत्र ये मामा से कहने लगा है, ना जाने मामा मेरा सर क्यों चकरा रहा है। इतना कहते ही प्राण पखेरू भी उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार, ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार। भक्त जनों, 12 वर्षों का समय पूर्ण होते ही साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके मामा अपने मृत भांजे को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका विलाप सुनकर माता पार्वती को बड़ी ही दया आई और कहने लगी, हे नाथ, आपको साहूकार के पुत्र के प्राण लौटाने होंगे, वरना इसका मामा विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देगा। भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और साहूकार के पुत्र को प्राण वापस लौटा दिए। भोलेनाथ ने जिसे दिया अल्पायु का वरदान, माता पार्वती की विनती भोलेनाथ गए मान। आई हुई मृत्यु को भी भोले ने टाल दिया है, अल्पायु को भोलेनाथ ने दीर्घायु किया है। और दर्शन भी मामा भांजा दोनों को दिए हैं, दर्शन पाकर भोलेनाथ के प्रसन्न बड़े हुए हैं। भाग्यशाली है स्वयं ही भोलेनाथ जो हमसे मिले, बोला मामा अब तो अपने नगर की ओर चले। प्रस्थान फिर अपने नगर में वो कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब मामा और भांजा दोनों अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगरी पड़ती थी जिस राजा की कन्या का साहूकार के पुत्र से विवाह कराया था। राजा उनको देखते ही पहचान गया और अपने राजमहल में ले गया। राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि मेरा विवाह तो इस साहूकार के पुत्र के साथ ही हुआ, क्यों ना आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ विदा कर दें। राजा अपनी कन्या की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। साहूकार के पुत्र से फिर तो राजा कहने लगा, मेरी पुत्री का आपके साथ ही संपन्न हुआ विवाह। पत्नी रूप में आप मेरी पुत्री को अपनाए, मैं चाहता हूँ करके विदा इस घर में ले जाए।
राजा ने जो विनती की तो उसने मानी है। साहूकार के पुत्र की फिर वो बन गई रानी है। राजा ने अपनी कन्या को बहुत सधन है दिया, धूमधाम से राजकुमारी को है विदा किया। फिर तो लौट के अपने नगर में वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से साहूकार के पुत्र को दीर्घायु के साथ साथ राजा की कन्या भी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जब वह अपने नगर में वापस आए तो साहूकार के पुत्र ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनकर साहूकार भोले नहीं समाए और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। भोलेनाथ ने ऐसी उन पर कृपा बरसाई, दीर्घायु भी साहूकार के पुत्र ने है पाई। भोलेनाथ तो सदा भक्तों पर कृपा करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका नाम सुमिरते हैं। सोमवार के व्रत में ये ही कथा सुनी जाती है, भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर हो जाती है। भोलेनाथ की कथा को सुनता हंस राज रलहन, दियसपाल भी करता उनके चरणों में वंदन। फौजी सुरेश से लाखों भक्त भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप
निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। माला बन माला रुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशि धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मधे, प्रणवाक्षर के मधे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी।
ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर भोले नमः शिवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय,
विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वरा हर हर शंभो नमः शिवाय। घुष्मेश्वरा शिव घुष्मेश्वरा हर